हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे घिया की बहुत ही मज़ेदार रसेदार सब्ज़ी, वो भी बिना प्याज टमाटर के। इस टाइम पे टमाटर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो कोई कोई सब्ज़ी ऐसी होती है उसका अगर आप बिना टमाटर के भी बनाएंगे ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हट के आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया वाली आज घिया बनी हुई है, आपकी भी ऐसी ही बनेंगी। एक बार रेसिपी ट्राई करना और अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो आइए फिर शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रसेदार सी घिया की सब्ज़ी बनाना। घिया की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ये एक 500 ग्राम की घिया ली है। इसको हम अच्छे से धो के छील के काट लेंगे, जैसे रेगुलर सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरीके से इसको आपको काटना है। इस तरह से काट के एक बार चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार सब्जियों में कीड़े होते हैं, वो बिना काटे हमें पता नहीं चलेगा। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत स्वादिष्ट बनती हैं सारी सब्जियाँ, लेकिन अगर आप नहीं खाना पसंद करते तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपनी ये कटी हुई घिया। और 3-4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब हमें घिया को फ्राई करना है। बीच बीच में आप इसको ढक के भी रख दें जिससे कि जल्दी से पक जाए। एकदम ही अलग तरीके से आज हम इस सब्जी को बना के तैयार करेंगे, लेकिन खाने में ये इतनी मज़ेदार बनी है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। घिया को अब ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और जब तक ये घिया पकेगी तब तक हम इसके लिए एक स्पेशल वाला मसाला तैयार करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है 1 कटोरी दही। दही बिल्कुल ताज़ी वाली आप लें, और दही देखिए हर किसी के घर में होता ही है स्पेशली गर्मी में। तो इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, आधी चम्मच मैंने डाल दी है हल्दी पाउडर, आधी चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च और आधी चम्मच ही काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और इन सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए दही को फेंट लेंगे, ताकि इसके जो मोटे मोटे चंक्स हैं वो ख़त्म हो जाए और स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाए। नमक अभी नहीं डाला है, नमक बाद में डालेंगे। ये 1 कटोरी दही हमारी सब्जी को इतना बढ़िया बना देगा ना, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहें घिया को, ताकि ये ऊपर वाली नीचे वाली अच्छे से पूरी घिया हमारी पक जाए। घिया को मैंने बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा नहीं किया है, जैसे हम रेगुलर सब्जी बनाते हैं ना उसी तरह से कट किया है। आप चाहें तो इसके गोल पीस भी निकाल सकते हैं पतले पतले से। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच बेसन, थोड़ा सा बीच में जगह बना के, और तेल के अंदर ही आपको बेसन को डालना है। और अब इसको भूनना है। गैस की फ्लेम अब आप लो पे कर दीजिए और बेसन को थोड़ी देर के लिए भून लीजिए। इससे क्या होगा, बहुत बढ़िया घिया की सब्जी में एक अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाएगा, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, और बेसन थिकनेस भी देगा सब्जी को। जब ये भून जाए 1-2 मिनट हो जाए, उसके बाद आप घिया के साथ मिक्स करके भी इसको भून लीजिए, बहुत अच्छी कोट हो जाएगी देखिए हमारी घिया बेसन के साथ में। रेसिपी एकदम नई है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और 3-4 मिनट के बाद आप इस तरह से एक बार चम्मच की सहायता से चेक कर सकते हैं। तो घिया यहाँ पे देखिए पक चुकी है, मुझे टोटल 5 से 6 मिनट हो गए घिया को पकाते हुए, और बहुत बढ़िया इसका कलर आ गया, बहुत अच्छे से ये पक गई है। अब मैंने ले ली है 8-10 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च, इनको हम दरदरा सा कूट लेंगे खलबट्टे में। लहसुन डालना भी टोटली ऑप्शनल है, आप लहसुन अगर नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह सिर्फ जीरा भी ले सकते हैं। अब हमें सब्जी में छोंक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सब्जी को घिया को साइड में कर देंगे, और ये जो तेल है इसको साइड में कर लेंगे 2-3 बूंद के जितना मैंने इसमें तेल और डाला है। तेल पहले से ही गर्म ही है, तो इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जीरा, और जीरे को चटकने देंगे। जीरा जब चटक जाएगा तो ये कुटा हुआ हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल लेंगे, और यहीं पे इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अच्छा सा कलर आने तक लहसुन में और बढ़िया सी एक खुशबू आने तक इसको पकाना है। कूट के लिया है तो बहुत ही जल्दी ये पक जाएगा, अगर आप काट के लेते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और कूटने से फ्लेवर भी पूरा निकल के आ जाता है।
तो लहसुन यहाँ पे बहुत अच्छे से भून चुका है, ये हमारा एक छोंक तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम दोबारा से जगह बना लेंगे, इसी जगह पे लहसुन को थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे और जो हमने दही के साथ मसाला बना के रखा है वो डाल देंगे। दही डालने के बाद आपको इसको कंटिन्यूअसली चलाते जाना है, लगातार चलाते हुए एक दो मिनट तक पकाना है ताकि दही फटे नहीं। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद ही आपको करछी को हटाना है, तब तक आप इसको इसी तरह से मिलाते रहिए। धीरे धीरे जो घी हमने साइड में की हुई है वो भी इसके साथ मिलती चली जाएगी। घी गर्म है और कढ़ाई भी हमारी गर्म थी तो बहुत जल्दी उबाल आ जाएगा इसमें। देखिए मैं लगातार इसको चला ही जा रही हूँ क्योंकि दही या दूध मलाई वगैरह जो होती है ना वो हीट पे जाके कई बार फट जाती हैं, तो इसलिए इनको चलाना बहुत ज़रूरी है। सारी घिया भी देखिए मिक्स हो गई है मसाले के साथ और बहुत अच्छा उबाल भी आ गया है सब्जी में। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, तो मैंने ये आधे चम्मच के जितना नमक डाला है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च अगर आप खाना पसंद नहीं करते तो हरी डाल सकते हैं। ढक के इसको थोड़ी देर पका लिया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके। देख सकते हैं आप सब्जी का कलर कितना अमेजिंग आ गया है और टेक्सचर भी कितना ज़बरदस्त है सब्जी में। ये सब दही और बेसन का कमाल है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने बेसन लिया और दही भी देखिए हर किसी के घर में अवेलेबल रहता ही है। सब्जी की कंसिस्टेंसी आप देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया आई हुई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही। खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है और इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत कम मेहनत, सामान सब कुछ आपका कम लगेगा लेकिन सब्जी आपकी बढ़िया बनके तैयार हो जाएगी। दही डालने के बाद आपको 3-4 मिनट के लिए इसको पकाना है जब तक कि दही अपना पूरा कोरमा रिलीज ना कर दे। वाओ कितनी अच्छी लग रही है सब्जी ये। इस सब्जी के सामने आपको पनीर की सब्जी भी एक बार के लिए फीकी लगेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। ऊपर ऊपर देखिए दही ने भी अपना सारा कोरमा रिलीज कर दिया है, सारा फैट अपना रिलीज कर दिया। और जब इस तरह की आपकी सब्जी हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। सब्जी यहाँ पर हमारी बन के तैयार हो गई है। फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार सब्जी का लुक, ये गैस बंद करने के बाद का है। इस सब्जी को आप लंच में दे सकते हैं, शाम को डिनर में भी आप बना सकते हैं क्योंकि घिया तो किसी भी टाइम आप खा लें, हेल्दी ही होती है। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मैं आप सभी से मिलूंगी एक और नई मज़ेदार सी टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।